चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो फ्रंट लाइट्स है, ये एलईडी लाइट्स हैं। ये आपने तरुण भाई के चैनल में ऑब्वियसली देखा ही होगा कि ये जस्ट बिकॉज कि आपको जब ऊपर टेंट देख सकते हो, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मनाली में लगाया था इन्होंने। करा लेता है ऊपर जो भी है, ऊपर करवा लेता है हार्ड टॉप या सेमी हार्ड टॉप जो भी है वो करवा लेते, बट कोई फायदा नहीं है यार वो करवा के। ये भी तरपाल भी अच्छा लगता गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी व्लॉग्स। तो गाइस ये उसी दिन की वीडियो जिस दिन मैं तरुण भाई की जो गाड़ी का काम करवा रहा था। तो पीछे देख सकते हो अपनी एंडेवर खड़ी है, और ये खड़ी है तरुण भाई की जिप्सी। तो इस पे जो है काफी लोग बोल रहे थे रिव्यू दो। तो ये वैसे भी काफी फेमस जिप्सी है, तो मैंने सोचा चलो आपको रिव्यू दे देते हैं। तो वो अक्षय भाई अपने अब निकले हैं एक दिन बाद, मजाक कर रहा हूँ, ये उसी दिन की वीडियो तभी। तो इसमें जो है आपको काफ़ी चेंजेस लग रही होंगी इस गाड़ी में। आपने अगर पहले स्टार्टिंग में देखी होगी गाड़ी, तो ये गाड़ी ऑल ब्लैक थी। तो बट उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद गाड़ी का रंग काफ़ी बार चेंज हुआ है, लाइक फ्रंट से, और आगे भी चेंज होता रहेगा। मुझे नहीं पता, तरुण भाई को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनकी गाड़ी है, उनको पता होगा कि क्या क्या रंग आगे करवाने वाले हैं, क्या क्या नहीं करवाने वाले हैं। बाकी तो गाड़ी इनको बहुत अफोर्डेबल नहीं, बहुत जेन्युइन रेट में मिल गई थी गाड़ी, क्योंकि मैंने दिलवाई थी। जस्ट जोकिंग, आप भी दिला सकते, कोई और भी दिला सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो फ्रंट लाइट्स है, ये एलईडी लाइट्स हैं। ये आपने तरुण भाई के चैनल में ऑब्वियसली देखा ही होगा कि ये शोएब भाई और ये तरुण भाई ने खुद मिलके फिट करी हैं। और उसके बाद ये जो ग्रिल है, ये स्टॉक ग्रिल है, और जो इसका बम्पर है, ये बम्पर भी स्टॉक है, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इनोसेंट, काफ़ी डिसेंट लुक देती है इस गाड़ी को। और उसके बाद जो अपना आ जाता है, उसके बाद ये जो है, ये पहले वाइट कलर का था ये बॉनेट, तो उसके ऊपर इन्होंने स्प्रे पेंट करा हुआ है, बट स्प्रे पेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी ये चेंज करवाएंगे। और ये स्टिकर लगा था, स्टिकर के ऊपर ही इन्होंने पेंट मार दिया था, तब ये थोड़ा बहुत ऐसे दिख रहा है। और उसके बाद ये जो मिरर है, जब इंसिडेंट हुआ था तरुण भाई के साथ, एक्चुअली ये बॉनेट खुल के जोर से बजा था 60-70 की स्पीड में, मेरे को लगता है ये अच्छे से बंद नहीं हुआ था इसलिए ये बजा था, तो ये वाला पूरा ना विंडशील्ड टूट गया था। तो ये दानिश भाई के पास इन्होंने ये चेंज करवाया था, इसका भी इन्होंने पेंट नहीं करवाया, फ्यूचर में मेरे को लगता है वो करवा लेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ये वाले जो इसके इसमें टायर लगे हुए हैं, गुडियर के टायर लगे हैं, बहुत बढ़िया टायर हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है इस टायर के। और ये टायर का साइज है 15 नंबर, जैसा आप देख सकते हो 215/75 R15, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इन टायरों का, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, और ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। और जिप्सी के लिए तो मेरे को लगता है बिल्कुल जेन्युइन टायर, बिल्कुल लाइक कि बहुत अच्छे टायर हैं और बहुत वैल्यू फॉर मनी भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें एक अपग्रेडेशन करवाई हुई है, ये मिरर्स लगवाए हुए हैं, ये मिरर्स बलैरो के हैं, और ये जो जिप्सी में एक मैं कहता हूँ ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा लाइक कि आपको ना पीछे जो इसकी पीछे से सारा कुछ क्लियर करता है, बहुत विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है बैक साइड की, और उस तरफ भी जो है बलैरो का ही लगा हुआ है। और उसके बाद आ जाती है इसमें स्टिकरिंग्स, इसमें एक्चुअली इन्होंने स्टिकर जो है गाय फ्रॉम नाली भाई साहब अश्विनी भाई के पास जाके, उधर जब वो उधर गए थे उन्होंने, तब उधर जाके सारी स्टिकरिंग इसकी चेंज करवाई थी, लाइक स्मॉल टाउन राइडर पहले लिखा होता बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छे से फॉन्ट में अच्छे तरीके से लगवाया हुआ है, और यहाँ पर लिखवाया इन्होंने एडवेंचर एडवोकेट तो वो है ही है, और ट्रैवल वाइब्स, ठीक है, और वो बीच में फास्ट टैग लगा हुआ है जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डबल टोल कट जाता है आपको पता ही है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है लाइफ इज़ गुड इन द वुड्स, लाइक बहुत अच्छा इन्होंने लिखवाया हुआ। उसके बाद एक्सट्रीम ओवरलैंडर, वो भी बहुत अच्छा, और ये वुल्फ का एक उन्होंने बनाया हुआ पोर्ट्रेट सा फोटो सा, वुल्फ है पता नहीं डॉग है शायद, मेरे पता हस्की है, तो जो भी है बता देना मुझे। और उसके बाद मनाली ये सारी स्टिकर्स लगे, ये गाय फ्रॉम मनाली का है भाई साहब अश्विनी भाई का है, और ये जो है ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखवाया है इस इधर, ड्रीम्स हार्डवर्क पेशेंस और डेडिकेशन, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखवाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल टाउन राइडर व्लॉग ऑफ रोड और एडवेंचर। और उसके बाद आ जाता है ये स्पेयर व्हील जो है, ये भी जब हमने गाड़ी ली थी उसी के साथ हमें ये भी स्पेयर व्हील मिल गया हुआ था। और उसके बाद इन्होंने ये नंबर प्लेट इधर ऊपर करके लगाया हुआ है, इसका नीचे होता है ऊपर करके लगाया हुआ है। और उसके बाद जो आ जाती है ये बम्पर, ये बम्पर की काफ़ी अच्छी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है ये जस्ट बिकॉज कि आपको जब ऊपर टेंट देख सकते हो, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मनाली में लगाया था इन्होंने, और ये मतलब कल या परसों इन्होंने पेंट करवाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एडवेंचर लिखा है और वर्ल्ड का मैप, और यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेस स्ट्रगल पेन मोटिवेशन, बहुत अच्छा है। और बाबा जी बने हैं यहाँ पे, जे सी एम कार एसेसरीज और ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अच्छा है।
और ये ओम मानी पद में हम शायद यही है। और यहाँ पे स्मॉल टोन राइडर ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, एक्सट्रीम ऑफ रोडर। और बाकी तो क्या ही बताना है, इस गाड़ी, ये गाड़ी पूरी स्टॉक है, इतना ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन करवाया नहीं हुआ। बाकी इन्होंने जो तरपाल है पहले ब्लैक कलर का लगा हुआ था, बट अब जो ये ग्रे कलर का लगाया हुआ, क्योंकि उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी ब्लैक कलर के तरपाल की। तो इंटीरियर से कुछ ऐसी है गाड़ी, देख सकते हो काफ़ी लाइक की जो जिप्सी की सीट्स है ओरिजिनल जो आती है वो काफ़ी नीचे करके होती है, बट ये जो सीट्स है सेंट्रो की लगी हैं और उसकी वजह से गाड़ी की जो विजिबिलिटी आगे बानर तक की, आगे तक की है, वो बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका व्यू है आगे से। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है द स्मॉल टाउन राइडर और स्मॉल टाउन राइडर, ठीक है, ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखवाई है। और देख सकते हो फ्रेम बनवाया है इन्होंने स्पेशल, जो ऊपर तरपाल इन्होंने जो ऊपर टेंट लगाया हुआ है, वेंचर हट वालों ने इनको भेजा था टेंट, उसका जो है एक फ्रेम बनाया हुआ है, ये देख सकते हो फ्रेम। अगर जिसने फ्रेम कैसे बनाया वो देखना है तो तरुण भाई के चैनल में जाके देख सकता है, तरुण भाई ने पूरी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। और उसके बाद ये एक फ़ोन होल्डर आ जाता है। जिप्सी में ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसका जो है डैशबोर्ड यही रहता है, इसका डैशबोर्ड आप चेंज करवा के दूसरा लगवा नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें जो है इसकी चौड़ाई कम होती है, वैसा कुछ होता है। तो ये इसकी ओरिजिनल जो स्टॉक गाड़ी, जो स्टॉक डैशबोर्ड होता है उसी का ही वो सिस्टम रहने देते हैं। और बस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही है। बाकी ये देख सकते हो आप ऊपर टेंट, इस टेंट की मैं एक आपको फोटो दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं खोल नहीं सकता क्योंकि तरुण भाई मेरे साथ है नहीं है, ये गाड़ी मैं ही लेके आया हूँ, तरुण भाई इधर है नहीं है, अगर मैंने खोल दिया तो खोलने में प्रॉब्लम होगी, बंद करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ ये। और उसके बाद ये लगा हुआ एक रेन वाइजर जो काफ़ी अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी देर से लगा हुआ है और इसका रंग रुंग जैसे फेंट हो जाता है वैसे फेंट नहीं हुआ है। बाकी ये लेह लद्दाख में लगाते हैं लोग, ओम मानी पद्मे हम का जो है जो प्योर वाइब्स हवा जो एक एक फ्रेश एयर के लिए लगाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैंने अपनी होंडा सिटी पे भी लगाना है और बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट गाड़ी लग रही है यार, इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन बंदा कोई ना कुछ ना कराए, बस यही चीज़ें हैं। बाकी लाइट्स भी हैं, टायर भी है, अलॉय भी है, स्टील रिम भी है और ऊपर टेंट भी है, और इससे ज़्यादा क्या बंदा करवा सकता है जिसमें, कुछ भी नहीं करवा सकता। हाँ ये है कि हार्ड टॉप करा लेता है या ऊपर जो भी है ऊपर करवा लेता है, हार्ड टॉप या सेमी हार्ड टॉप जो भी है वो करवा लेते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है यार वो करवा के। ये भी तरपाल भी अच्छा लगता है गाड़ी को, और देख सकते हो लुक काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, लग रही है ना बैंकर। तो एक और चीज़ गाइस मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, दैट की जो मेरी होंडा सिटी है उसको मैं सिंपल पेंट रहने दूं या फिर उसमें भी ऐसी स्टिकरिंग कराऊं जैसे तरुण भाई ने कराई हुई है, लाइक कि बहुत सारी स्टिकरिंग जैसे एडवेंचर वाले लोग होते हैं वैसे करवाते हैं, वैसे ही करवाऊं या फिर सिंपल रहने दूं, मुझे प्लीज़ कमेंट में जाके बता देना कि भाई साहब ये कराओ ये ना कराओ, है ना, क्योंकि आपकी मैं बात सुनता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक, मैं सुनता ही हूँ यार, ऐसे मत बोलो। तो लाइट्स देख सकते हो, आपको मैं लाइट्स एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, इसकी जो रिंग लाइट है वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको अब चेकआउट कर सकते हो आप, काफ़ी प्यारी लाइट है। और तरुण भाई को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि इधर वाइट लाइट लगा ले, मैंने इनको काफ़ी देर पहले बोला था, कहते मैं लगवा लूँगा, पर कोई नहीं हम ही लगा के देंगे इनको, पर चलो। तो ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी, और पीछे से आपको एक बार दिखा दे, लुक चेकआउट करवा देते हैं पीछे से भी, और ये देख सकते हो पीछे से काफ़ी पीछे से भी बहुत प्यारी लगती है गाड़ी। और मौसम तो आप देख ही सकते हो, गाड़ी के साथ मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और बस ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, बाकी आप सिनेमैटिक शॉट्स जो है उसके मज़े लो। बाकी आपको एक लाइट फुल भी चेक करवा देता हूँ, फुल में ये ऐसे है, ट्राइंगल है, पुट्ठा ट्राइंगल, तो बढ़िया है, वैसे प्योर पूरा ट्राइंगल नहीं है, ये थोड़ा सा ना जैसे कर्व भी है। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ, है ना, तो बाकी बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई नहीं है। बाकी तरुण भाई ने स्नॉर्कल जो नेक्स्ट अपग्रेडेशन इन्होंने सोची हुई है, मुझे नहीं पता बट मेरे को लगता है, एक एजम्पशन ही लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, एक स्नॉर्कल सोचा होगा और एक साइकिल लगाने होंगे, आगे से लिफ्ट करानी होगी गाड़ी, बस और तरपाल चाहिए, मेरे को लगता ब्लैक करवाना और ये पेंट पुंट करवाना है, बस और कुछ नहीं। बाकी गाड़ी यही है, स्टॉक है, अच्छी है, जैसी भी है बढ़िया है। और मैं आपको भी सिनेमैटिक शॉट देता हूँ, मज़े करो वो देख के, तो उसके बाद फिर यहाँ से हम चलते हैं, बाकी जो इससे पहले वाला व्लॉग है उसमें दिखूँगा मैं आपको सीधा। तो चलो फिर।